आर गुड और आपकी छुट्टियां भी बहुत अच्छे से गुजरी होंगी, है ना? तो चलिए अब पढ़ाई पर वापस लौट आते हैं। ओके, सो टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर 3, सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स। ओके, सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स। सो द क्लॉथ्स विच वी वेयर एंड मेड ऑफ आर मेड ऑफ फैब्रिक्स। फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम फाइबर्स ओबटेन फ्रॉम नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्सेस। फाइबर मीन्स होता है रेशे, है ना? और रेशों से ही फिर कपड़े बनाए जाते हैं। ओके, और प्लास्टिक तो आप लोग जानते ही हैं। सो कैन यू नेम सम नेचुरल फाइबर्स? फाइबर्स आर ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग अ लार्ज वराइटी ऑफ हाउस होल्ड आर्टिकल्स। मेक अ लिस्ट ऑफ सम कॉमन आर्टिकल्स मेड फ्रॉम फाइबर्स। ट्राई टू सेपरेट देम इंटू दोज मेड फ्रॉम नेचुरल फाइबर एंड दोज मेड फ्रॉम आर्टिफिशियल फाइबर्स। मेक एंटायर इन टेबल्स। ओके, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ये देखें कि क्लॉथ जो हम पहनते हैं वो किन से बना होता है? फैब्रिक से बना होता है, ठीक है? फैब्रिक जो कपड़े होते हैं ना, कपड़ों से क्लॉथ्स बनते हैं, ठीक है? सॉरी, फैब्रिक से क्लॉथ्स बनते हैं, है ना? तो फैब्रिक्स जो है वो किससे बनते हैं? फाइबर से बनते हैं, जो कि हमें नेचुरल या आर्टिफिशियल सोर्सेस से मिलते हैं, ठीक है? फैब्रिक हमें नेचुरल या आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल मतलब जो इंसानों के द्वारा बनाए जाते हैं, ठीक है, वहां से उन सोर्सेस से मिलते हैं। तो क्या आप कुछ नेचुरल फाइबर्स के नेम बता सकते हैं? हाँ बिल्कुल बता सकते हैं। जैसे कॉटन, कॉटन का पौधा होता है ना, नेचुरल है, ठीक है? और सिल्क वॉर्म है, वो भी नेचुरल है। सिल्क, उनसे सिल्क वॉर्म से सिल्क मिलता है हमें, ठीक है? तो ऐसे कुछ नेचुरल फाइबर है ना? तो फाइबर्स का यूज बहुत सारे जो होममेड आर्ट हाउस होल्ड आर्टिकल्स होते हैं जिनका हम घर में यूज करते हैं, वो बनाने के लिए भी फाइबर का यूज किया जाता है, ठीक है? तो ऐसे ही कुछ फाइबर्स के नेम और कुछ आर्टिकल्स जो हमारे घर में यूज होते हैं उनकी आपको एक लिस्ट बनानी है, ठीक है? और उनको सेपरेट करके देखना है कि इसमें से नेचुरल फाइबर कौन सा है, नेचुरल फाइबर से कौन सी चीज बनी है और आर्टिफिशियल फाइबर से कौन सी चीज बनी है, ठीक है? और वो सारी चीजें फिर आपको टेबल में फिल करना है। ओके, तो ये टेबल आपको दिख रही है, इसमें आप आर्टिकल के नेम लिखेंगे और उसके बाद बताएंगे कि वो किस फाइबर से बनी हुई है, नेचुरल फाइबर से या आर्टिफिशियल फाइबर से। ओके, सो व्हाई डिड यू लेबल सम फाइबर्स एज आर्टिफिशियल? ये कुछ एक क्वेश्चन दिया हुआ है, जब आप ये फिल करेंगे तब उसके लिए फिर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है? तो आपने प्राइवेट प्रीवियस क्लासेस में, पिछली क्लासेस में भी आप लोगों ने नेचुरल फाइबर जैसे कॉटन, सिल्क, वूल, वूल भी क्या है, नेचुरल फाइबर है, वो भी हमें शीप से मिलता है ना? तो ये सब हमारे नेचुरल फाइबर हैं और इसके बारे में आप पढ़ चुके हैं, जो कि हमें प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं। सिंथेटिक फाइबर दूसरी तरफ अगर हम देखें तो सिंथेटिक फाइबर जो है वो ह्यूमन बीइंग्स के द्वारा बनाए जाते हैं, है ना? सिंथेटिक फाइबर मैन मेड होता है, ठीक है? और इसीलिए हम उसे सिंथेटिक या मैन मेड फाइबर भी कहते हैं। ओके, नाउ व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स? अभी हमने बताया जो मैन मेड होते हैं ना, जो इंसानों के द्वारा बनाए जाते हैं, वो सिंथेटिक फाइबर कहलाते हैं, ठीक है? तो अब उसके बारे में और डिटेल में आपको यहाँ पर बताया गया है कि सिंथेटिक फाइबर कैसे होते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर आप देखें, एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको, एक बीड्स मतलब मोतियों की माला दी हुई है यहाँ पर, नेकलेस ऑफ बीड्स। देखें आप, ये एक धागे में एक के पीछे एक इनको पिरोया गया है, ठीक है? तो इसी तरीके से आप जो पेपर क्लिप होती है, पेपर में जो हम क्लिप लगाते हैं, उनको भी क्या करें, एक के पीछे एक उसको आप क्या करने, अटैच करने, ठीक है? लाइक दिस, इस तरीके से अरेंज कर लिया। तो जो सिंथेटिक फाइबर है वो भी इसी चेन की तरह है ना? इसमें छोटे छोटे जो स्मॉल यूनिट्स जो होते हैं उनको आपस में ज्वाइन कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। ओके, तो वो जो स्मॉल स्मॉल यूनिट्स होते हैं, जैसे ये बीड्स लगे हुए हैं छोटे छोटे, है ना? तो ये जो छोटे छोटे यूनिट्स हैं सिंथेटिक फाइबर में, मान लो ये सिंथेटिक फाइबर है आपका, ठीक है? तो ये जो
बीट्स को हम यूनिट कहेंगे यहाँ पर। तो ये जो यूनिट है ये क्या होते हैं, ये केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है। और केमिकल सब्सटेंस ऐसे बहुत सारे केमिकल सब्सटेंसेस को इकट्ठा करके एक सिंगल सेल लार्ज सिंगल यूनिट तैयार की जाती है, ठीक है, जिसे हम पॉलीमर कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल यूनिट्स को इकट्ठा करके, है ना, एक लार्ज सिंगल यूनिट बना दी जाती है, एक बड़ी और सिंगल मतलब अकेली यूनिट बना दी जाती है, ठीक है, तो उसे हम पॉलीमर कहते हैं। और वो जो स्मॉल यूनिट्स हैं वो क्या है, वो केमिकल सब्सटेंसेस हैं, ठीक है। तो ये समझ लो कि एक जगह बहुत सारे केमिकल्स को थोड़ी थोड़ी मात्रा में इकट्ठा किया, तो वो जो पूरा इकट्ठा जो केमिकल तैयार हुआ वो हमारा पॉलीमर कहलाया, लार्ज सिंगल यूनिट कहलाया, ठीक है। तो जो पॉलीमर है वो टू ग्रीक वर्ड से आया है, पॉली मीन्स होता है बहुत सारे और मर का मीन्स होता है पार्ट्स या यूनिट, ठीक है। तो पॉलीमर बहुत सारी रिपीटिंग यूनिट्स से मिलकर बना होता है, ओके। तो पॉलीमर्स जो है नेचर में भी हमको मिलता है, जैसे कॉटन फॉर एग्जाम्पल, है ना, कॉटन, ओके, के पॉलीमर को हम क्या कहेंगे, सेल्यूलोज कहेंगे, ठीक है। सेल्यूलोज इज मेड अप ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स। तो बहुत सारे ग्लूकोज यूनिट्स को जब हम मिलाएंगे तो वो क्या बनेगा, सेल्यूलोज बनेगा, है ना। और सेल्यूलोज क्या है, आपका एक पॉलीमर है, ओके। रेस्ट वी विल रीड टुमारो।